हेलो गाइस, आप देख रहे हैं ए टू जेड होम्स डिजाइनिंग। यहाँ पे मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन हाउस प्लान की वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। आज मैं एक प्लान लेकर आया हूँ जिसका साइज है 16x45। फ्रंट इसका 16 फीट दिया, लंबाई इसकी 45 फीट रखी है, जिसमें आपको फ्रंट में एक दुकान दिखेगी, बाइक पार्किंग दिखेगी, अंदर आपको 2 BHK हाउस प्लान कम्प्लीट दिखेगा, फुल वेंटिलेशन साथ में। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रंट एलिवेशन कुछ इस तरीके से दिया है, देख सकते हैं। अब मैं आपको इसकी 3D पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा, तो बढ़ते हैं अपनी 3D प्लान की ओर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको प्लान मिलता है 16x45 में ओनली। यहाँ पे आप देख सकते हैं वेंटिलेशन कुछ इस तरीके, जाल भी दिए गए, वेंटिलेशन कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। कंप्लीट आइडिया आपकी कुछ इस तरीके से बनी हुई है, देख सकते हैं आप। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। यहाँ पर आपको इस तरीके से न्यू वीडियो मिलते रहेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप कुछ इस तरीके से बाइक पार्किंग के लिए रैंप दी है, यहाँ पर आपको सीढ़ियाँ भी उपलब्ध कराई गई हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं दुकान के पर्पज़ से यहाँ पे आपको सीढ़ियाँ दी हैं। उसके बाद यहाँ पे आप कुछ इस तरीके से दुकान दिख जाती है। दुकान के जस्ट बगल में यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से एंट्री गेट मिल जाता है। ये गेट आपका 5 फिट का लगा हुआ है, गेट से आप एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद यहाँ पर आप कुछ इस तरीके से दिख जाता है। गेट से आप एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको जीने नीचे बाइक पार्किंग मिल जाती है, देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है बाइक पार्किंग के पर्पज़ से। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको जिस तरीके जीना मिल जाता है, कंप्लीट जीना आपका कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। जीना आपका 3 फिट का बना हुआ है, देख सकते हैं। जीने की सीढ़ियों का साइज मैंने कुछ इस तरीके रखा है, आपका पैर रखने वाला 9 इंच का, इसकी हाइट मैंने 8 इंच दी है। कुछ इस तरीके सीढ़ियों का साइज दिया हुआ है, कम्प्लीट जीना कुछ इस तरीके से दिया आपका। स्टेशन आपका 3x6 का बना है, जिसकी हाइट मैंने 7.5 फिट रखी हुई है, देख सकते हैं आप। जीने के जस्ट बगल में यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप कुछ इस तरीके से दुकान दिख जाती है। इस दुकान का मैंने साइज रखा हुआ है 9x11, ये 9x11 की आपकी दुकान दी है। फ्रंट इसका 9 फिट रखा है, लंबाई इसकी 11 फिट रखी है, 9x11 की आपकी दुकान उपलब्ध कराई गई है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप कुछ इस तरीके से एंट्री गेट मिलता है, वेंटिलेशन विंडो भी दिख जाती है। गेट से आप एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले कुछ इस तरीके से एंट्री गेट दिख जाता है, वेंटिलेशन विंडो भी दिख जाती है। गेट से आप एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले बैठक मिल जाती है। अगर आप बैठक बनाना चाहें तो बना सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे आप हॉल में बैठक बना सकते हैं। इस रूम का मैंने साइज रखा हुआ है 9x12, ये 9x12 का आपका रूम दिया है, देख सकते हैं आप 9x12। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप कुछ इस तरीके से ओपन स्पेस दिख जाता है, काफ़ी बड़ा आपका हॉल बना है, ये देख सकते हैं। इस पूरे हॉल का मैंने साइज रखा हुआ है 6x23, ये 6x23 का आपका स्पेस दिया हुआ है। यहाँ पे आप डाइनिंग टेबल डाल सकते हैं, साइड आप सोफ़ा भी लगा सकते हैं, लंबा लंबा सोफ़ा रख सकते हैं। ये 6x23 का आपका स्पेस दिया हुआ है। रूम के जस्ट बगल में यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप कुछ इस तरीके से स्पेस मिल जाता है। ये पूजा घर के पर्पज़ से स्पेस दिया, पीछे आपको वेंटिलेशन स्पेस दिया है, किचन का और पूजा घर का दोनों का वेंटिलेशन होता रहेगा। ऊपर मैंने जाल रखा हुआ, वेंटिलेशन कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इस पूजा घर का मैंने साइज दिया हुआ है 3.5x5, 3.5x5 का स्पेस दिया। अगर आपको छोटा लगता है तो आप बड़ा भी कर सकते हैं, ये 3.5x5 का आपका स्पेस दिया हुआ है। इसके जस्ट बगल में यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको किचन मिल जाती है, देख सकते हैं ओपन आपकी किचन बनी है। यहाँ पे आप डाइनिंग टेबल भी डाल सकते हैं, देख सकते हैं आप। किचन के वेंटिलेशन को जिस तरीके से आपको विंडो भी उपलब्ध कराई गई, देख सकते हैं 3.5 फिट की आपकी विंडो दी है, 3.5x4 की, फुल वेंटिलेशन होता रहेगा आपकी किचन का। इस किचन का मैंने साइज दिया हुआ है 6.5x9, ये 6.5x9 की आपकी किचन दी गई है, देख सकते हैं आप 6.5x9। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से एंट्री गेट मिलता है, वेंटिलेशन विंडो भी दिख जाती है। गेट से आप एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आप कुछ इस तरीके से रूम दिख जाता है, वेंटिलेशन इस साइड से भी आपको विंडो दी है। यहाँ पर लेटरिन बाथरूम का रूम का वेंटिलेशन होता रहेगा, ये 1.5x4 का स्पेस दिया, ऊपर मैंने जाल रखा हुआ है। इस रूम का मैंने साइज दिया हुआ है 10x11, ये 10x11 का आपका रूम दिया गया है, देख सकते हैं आप 10x11। इसके जस्ट बगल में यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से एंट्री गेट मिलता है, गेट से आप एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आपको लेटरिन बाथरूम कमाइट दिख जाती है, जिसका मैंने साइज रखा 4x8.5। ये 4x8.5 की आपकी लेटरिन बाथरूम कमाइट बनी है, जो कि आपकी कॉमन लेटरिन बाथरूम दी है। अगर आप पूजा घर नहीं बनाना चाहते तो यहाँ पर आप कॉमन टॉयलेट बना सकते हैं या फिर आप बाथरूम बना सकते हैं, आप अपने हिसाब से इस स्पेस को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से 16x45 वन शॉप के साथ 2 BHK हाउस प्लान कंप्लीट दिया हुआ है, देख सकते हैं आप। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, अपना प्लान तैयार करा सकते हैं। कंप्लीट आइटी आपकी कुछ इस तरीके से दी हुई है, यहाँ पर एंट्री गेट लगा हुआ है, देख सकते हैं। ऊपर आप पानी की टंकी रख सकते हैं। ये किचन के वेंटिलेशन जाल दिया, ये आपका लेटरिन बाथरूम वेंटिलेशन जाल दिया गया है।
फ्रंट एलिवेशन भी देख सकते हैं, कुछ इस तरीके दिया है। फ्रंट से आपको दो मंजिल का कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है, देख सकते हैं। लो बजट का प्लान है, कम से कम खर्चे में बहुत ही बेस्ट प्लान तैयार करा सकते हैं 16x45 में बाइक पार्किंग के साथ में। उम्मीद करता हूँ आज का प्लान बहुत ही पसंद आया। पसंद आया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, आज के लिए उतना ही। वीडियो देखने धन्यवाद।